जाते शॉर्ट मैम, जाते शॉर्ट, बस जाते शॉर्ट हम भी जाते हो। आप जा रहे हैं? हाँ बस, थैंक यू, थैंक यू मैम। एक मिनट, इस तरफ आपकी उंगली दिखा दीजिए। क्या संदेश मुंबई वासियों के लिए? मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि मतदान बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और हिंदुस्तान में ये एक अपना बहुत अमूल्य एक जो उनका कर्तव्य होता है उन्हें निभाना चाहिए और उन्हें वोट करना चाहिए ताकि जो भी इश्यूज़ हैं, मसले हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के मुतालिक या जो भी देश के मुतालिक, तो उनको दे हैव टू बी, उनको सहभागी रहना चाहिए एंड दे हैव टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसीजर इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग म्यूट स्पेक्टेटर्स। आप अभिनेत्री के साथ साथ एक मुंबईकर भी हैं, आपको क्या लगता है मुंबई के लिए सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं? बहुत सारे मुद्दे सिर्फ मुंबई के लिए नहीं हैं, चाहे वो बेरोजगारी की समस्या हो या उनकी लोगों की रहन सहन या महंगाई की समस्या है, तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसकी वजह से हिंदुस्तान में जो आम जनता है वो जूझ रही है। यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों के, चाहे वो घर हो, पानी हो, बहुत सारी समस्याएँ हैं कई सारे एरिया में, लेकिन बड़े तौर पे ये एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लोगों को अपना मत देना बहुमूल्य होता है, इसीलिए बाहर जाके प्लीज़ अपना मत दीजिए और मतदान कीजिए, चाहे किसी के लिए भी आप करें, लेकिन ये अपना हक ज़रूर एक्सरसाइज करें। आप लोगों के बीच भी गए, लोगों के बीच आपने उनके मुद्दे भी सुने, क्या लगता है कि किस तरह से लोग अब आपका साथ देंगे और सबको, क्या वो बदलाव वाकई चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं, लोगों को कई सारी समस्या होती है, चाहे फार्मर्स डिस्ट्रेस हो या यूथ जॉबलेस हो या फिर महिलाओं को सिक्योरिटी का इशू हो या फिर यू नो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अपने अपने मसले होते हैं और बहुत सारे ऐसे हैं, तो मुझे लगता है कि वोटिंग एक हमारा राइट है और उसे एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल द टाइम वी आर वेरी वोकल अबाउट मेनी इशूज़, लेकिन जब वोटिंग करने की बात आती है तो ये घर से निकल के वोट नहीं करना चाहता, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग घर से निकले वोट करें, चाहे कितनी भी गर्मी हो, चाहे लाइन में आपको कितनी भी लंबी लाइन में खड़ा रहना हो, जैसे कि आपने देखा मैं अभी बहुत लंबी लाइन में खड़ी रह के मैंने वोट दिया, तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप यू नो तफके नहीं और आप कितनी भी चिलचिलाती धूप हो, कितनी भी लंबी लाइन हो, आपको खड़े रहना है, आपको वोट करना है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुंबई की अलग पहचान है दुनिया भर में, लेकिन ट्रैफिक और सड़कें बहुत परेशान करती हैं, तो आपको लगता है आने वाली सरकार को कुछ इस बारे में करना चाहिए? हाँ, लेकिन ये वोट और भी बड़े मुद्दों के बारे में है, मसले जो सड़कों के हैं वो ज़्यादा बीएमसी के अंडर में आते हैं, लेकिन ये जो और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं जैसे बेरोज़गारी है, महंगाई है, जीएसटी है, डिमोनेटाइजेशन है, ये जितने भी सारी चीज़ों के वजह से जो अर्थव्यवस्था चरमरा गई है उसके वजह से भी, और यू नो इन फेवर ऑफ द पीपल हु आर अंडर प्रिविलेज्ड, इन फेवर ऑफ द पीपल, आपको अपना मत देना चाहिए और आके ज़रूर अपना वोट एक्सरसाइज करना चाहिए। Thank you.